और बात अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज जनसभाएं उनके तरफ से भी होने वाली है। कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बीते दिन तस्वीर आपने देखी थी किस तरह से विपक्ष के जो तमाम दिग्गज थे वो कन्नौज और कानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। बिहार के बेगूसराय में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, बैक टू बैक सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी कार अलग अलग जगहों पर आज भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का टारगेट 80 और मिशन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो 3 जनसभाएं यहां पर होनी है। कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करने के साथ साथ मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की वो तमाम उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ जाहिर तौर पर कांग्रेस पर, विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा यहां पर संबोधित करेंगे। जनसभाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि बिहार के बेगूसराय में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए किस तरह से 2 राज्यों की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संभाल रखी है। एक तरफ राजनाथ सिंह भी आज 2 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं, यूपी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो ओडिशा और झारखंड में उनकी मौजूदगी रहने वाली है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 3 जगहों पर उनकी रैली होने वाली है, जनसभाएं होने वाली है। कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। साथ ही साथ बिहार के बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।